जेडे ये स्कूल ने यह प्री इंडस्ट्री तो लैके बारहवीं जमात तक ने यह स्कूल को एजुकेशनल ने और रेजिडेंशियल ने। पिछले 55 साल के अंदर ये सोसाइटी ने एक भी रुपया नहीं लिया फीस के अंदर किसी बच्चे तो। तुसी जॉब की गल की है क्योंकि इन्होंने बच्चों स्पेशल तौर पर अगे जॉब लैंड बड़ी दिक्कत होंगी है। मैं यही दसना चाहूँगा कि जदों माँ प्यो बच्चा छोटा होता है 5-6 साल का उदों जो बच्चे इतने एडमिशन लेके आते हैं तो वो कहते हैं जी कि यह साढ़े उत्ते एक लाइबिलिटी है कि यह साढ़े उत्ते एक लाइबिलिटी है कि इन्हें कहना सानू कोई कमाई करके देना है। सत श्री अकाल जी, प्रोग्राम आओ गल्लां करिए तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम के जरिए असीं किसी खास शख्सियत के नाल हर वार तुहानूं जिहड़ा असीं गलबात करवाने आ। अज साडे इस प्रोग्राम के विच खास शख्सियत ने कर्नल करमिंदर सिंह जी, जो कि लंबे समय तो डैफ एंड ब्लाइंड जिहड़ा स्कूल आ उह चला रहे ने। तो असी गलबात भी करते उन्होंने नाल। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सर, स्कूल की गल की जाए, स्कूल की स्थापना कदों हुई तो स्कूल कौन चला रहा है, कौन संस्था है? सर, ये स्कूल जोड़े ने ये मेरे पिता जी ने 1967 के अंदर शुरू किए थे और कई चीज़ा इतफाक के नाल शुरू होंदी है। एक दिन मेरे पिता जी सैर के लिए जा रहे थे और उन्होंने नहर के किनारे दो नेत्रहीन बच्चे बैठे देखे और उन्होंने जाके पूछा कि तुसी काका इत्थे क्यों बैठे हो। तो उन्होंने कहा जी कि असी कोई नेड़े पिंडा तो आए हाँ और साड़ी ख्वाहिश है कि असी किसी चंगे स्कूल जाइए और असी अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकीए, पर सानू दो दिन हो गए ने एवें धक्के खांदियां नूं पर सानू कोई स्कूल नहीं मिलिया। तो मेरे पिता जी उन्हां दा हाथ फड़िया तो उन्होंने कहा कि चलो तुसी मेरे नाल आओ। वह उन्हां नूं अपने घर ले आए और लिया के उन्होंने कमरा दिता और कहा कि तुसी इत्थे रहो जो तक तुहाडी विद्या दा पालन दा कोई स्कूल नहीं मिलता या कोई साधन नहीं हुंदा। ए सी शुरुआत इन्हां स्कूलां दी। मेरे पिता जी फिर सारे किते गए पंजाब दे अंदर दिल्ली तक पर उन्होंने इन्हां बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं मिलिया। तो फिर उन्होंने फैसला किया कि मैं एक अपनी बिल्डिंग स्कूल नूं दे के ते उत्थे ही स्कूल नूं मैं शुरू करांगा और यही स्थापना 16 अप्रैल 1967 नूं होई और सानू हुण 56 साल हो गए ने इस क्षेत्र के अंदर इन्हां बच्चों की सेवा करते हुए। करनल, जिस तरह तुसी गल कीती तुसी अपने पिता तो जिहड़ी है ये जिहड़ी है सारी कहानी सुनी, उस तो बाद फिर तुसी कदों रहे स्कूल दे विच सेवा निभाण लगे? फिर जदों मेरे पिता जी बजुर्ग हो गए तो मैं फौज दे विच सी, फुल कर्नल दी रैंक सी मेरी, अगली प्रमोशन भी होने वाली सी, पर उन्होंने कहा कि नहीं बेटा ये काम बहुत जरूरी है इन्हां बच्चों के लिए और तू फौज छड के घर आ। तो 1992 दे विच मैं प्री मैच्योर रिटायरमेंट लैके आके स्कूल दे नाल जुड़िया। जी बिल्कुल, देश की सेवा दे नाल नाल तुसी इन्हां बच्चों की भी जिहड़ी है वो सेवा करनी जिहड़ी है शुरू कर दित्ती? हाँ जी बिल्कुल, उदों तो ही 1992 तो मैं इन्हां स्कूलों दे नाल इन्हां बच्चों दे नाल जुड़िया होया। उदों यह स्कूल पटियाले अमर आश्रम दे नाल एक साडा होस्टल सी पुराना, उहदे विच इह स्कूल की स्थापना होई सी और फिर उत्थे इह स्कूल तकरीबन 42 साल रहा। पर मेरी यह अंदरों जमीर कहती सी कि यह स्कूल की जगह
ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ 2004 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਫਦੀਪੁਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਮਠਿਆਈ ਵਗੈਰਾ ਵੰਡੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4000 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾਨ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਲਓ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 2004 ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ 2005 ਨੂੰ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਪਲ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੇਨੂ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ ਦਿਖਾਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਔਰ 2 ਘੰਟੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਔਰ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ 3 ਦਿਨ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਦੀ ਸਵੇਰੇ ਕਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 4th ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮਪੁਰੀ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ USA ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿਆਂਗਾ ਇਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਕੂਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਸਕੇ ਉਹ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰੇਮਪੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਪੁਰੀ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮਪੁਰੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁੰਜ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡੋਟਰਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਨਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਲ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ 3 ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹਨ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਡੈਫ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਨੇਤਰਹੀਨ ਬਲਾਈਂਡ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਨੇ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਡੈਫ ਬਲਾਈਂਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇਹ 3 ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰਨਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫੋਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 1967 ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਸੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 4 ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਕੂਲ ਫੋਰ ਦਾ ਡੈਫ ਪਟਿਆਲਾ ਸਕੂਲ ਫੋਰ ਦਾ ਬਲਾਈਂਡ ਪਟਿਆਲਾ ਸਕੂਲ ਫੋਰ ਦਾ ਡੈਫ ਬਲਾਈਂਡ ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਅਰਲੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਫੋਰ ਡੈਫ ਇਨਫੈਂਟਸ ਇਹ 4 ਸੰਸਥਾ ਅੱਜ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟ੍ਰੇਡਰ ਮੈਂਬਰਸ ਇਹ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ
जी बिल्कुल करना, जिस तरह गल की आवे स्कूल की किन्ना क स्टाफ है, जो टीचर की गल की आवे, क्योंकि इन्हों की बच्चों की जी पढ़ाई होंगी वो स्पैशल होंगी है, ट्रेनिंग लैनी पैंती है, किन्ना क स्टाफ है, तो बच्चे जेडे जेडे टीचर ने वो कितों ट्रेनिंग लैके आए पे ने। पहले तो मैं ये दसना चाहाँगा कि जेडे ये स्कूल ने यह प्री इंडस्ट्री तो लैके 12वीं जमात तक ने, और उस तो बाद भी असं इन बच्चों का दे लिंक रखते हैं ताकि इन्होंने जी जिंदगी अंदर सफल हो जाए और वह अपने पैरों के उत्ते खड़े हो जाए। यह स्कूल्स को एजुकेशनल ने और रेजिडेंशियल ने, साढ़े पास अज की डेट के अंदर 450 बच्चे ने ऑन दी रोल्स, जिन्हों के 370 बच्चे साढ़े होस्टल के रेंदे ने। साढ़े पास अलग होस्टल है बॉयज़ का, अलग होस्टल है गर्ल्स का, बहुत वधिया सुविधा बच्चों दी हुई है। और मैं नाल ही यह भी दसना चाहाँगा कि पिछले 55 साल के अंदर ये सोसाइटी ने एक भी रुपया नहीं लिया फीस के अंदर किसी बच्चे तो, ये पूरा परमात्मा की मेहर के नाल सानू दान मिल रहा है और उहदे सिर सहारे ते ही ये स्कूल हले भी चल रहे। जिस तरह आप गल कर रहे थे स्कूल की, जेकर टीचर की गल की आए कि शहरों तो टीचर हो रहे जो पढ़ाई करने वास्ते जो विशेष तौर पर बच्चों आते हैं, तो किस तरह जरा पढ़ाई होंगी है, कि जो क्लासा की गल की आए बच्चों की, तो दसा जाता कि जो स्पैशल बच्चे होंगे ने तो इन दिनिया क्लासा ने वो डबल होंदिया ने, कि इस तरह का भी है कुछ। देखो मैं सब तो पहले तो तुम्हें ये दसना चाहाँगा कि जेडे साढ़े पास 450 बच्चे ने, पंजाब तो सिर्फ 142 बच्चे ने, बाकी के बच्चे साढ़े पास इतने 13 स्टेट्स तो इस स्कूल के अंदर आए ने फ्री विद्या प्राप्त करने के लिए, और ये स्टेट्स बहुत दूर दूर तक फैलिया हुई हैं। मेघालय तो बच्चे ने, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बल्कि इन सारिया स्टेट्स के साढ़े पास बच्चे इतने ने, और इस करके इन्हां बच्चों की जिहड़ी शिक्षा है वो भी एक बड़ी स्पैशल है। कोई हिंदी दे विच पढ़ाई करता है, कोई पंजाबी दे अंदर पढ़ाई करता है, और साढ़े पास इतने 100% जिहड़ा स्टाफ है वह स्पैशली क्वालीफाइड स्टाफ है, जिन्होंने डिप्लोमा बीएड या एमएड की हुई है, और साढ़े पास इतने हुण 35 टीचर्स ने इन्हां बच्चों नूं शिक्षा देने दे लई, और टोटल साड़ी जिहड़ी नफरी है एम्पलॉइज़ की वह 72 है, बाकी का जिहड़ा सपोर्टिंग स्टाफ है वह है जिवें कि इन्हां दियां मेटनस ने, वार्डर्स ने, इन्हां दे रखवाले ने, लंगर का काम, किचन का काम, और होर जिहड़े बाकी दी मेंटेनेंस है उहदे विच भी साढ़े तकरीबन 32-33 एम्पलॉइज काम करते। जी बिल्कुल, एक्टिविटी की गल की जाए क्योंकि हर एक स्कूल के एक्टिविटियां जड़िया ने वो लगातार होंदिया रहिंदिया ने, कि तुहाडे स्कूल के भी इन्ना स्पैशल बच्चों के वास्ते कोई एक्टिविटी होंदी है जां कोई अलग तरीके करवाने हो कुछ? देखो साढ़े स्कूल के अंदर ये मैं रखा हुआ है कि हर शनिवार को साडा एक्टिविटी डे होंदा है, और ये बच्चे जिहड़ी एक्टिविटी के अंदर हिस्सा लेंदे ने उत्थे सब तो उपर दर्जे के उत्ते आते हैं और नंबर एक पोजिशन हाजिर करके आते हैं। हूँ इसी साल एक बैंगलोर की एक संस्था है एनेबल इंडिया, उन्होंने ऑल ओवर इंडिया लेवल का एक ब्लाइंड बच्चों का कॉम्पीटिशन रखा। सी कॉम्पीटिशन कि जो बच्चे ने वो पढ़ाई तो करते ने अपनी ब्रेल किताबों तो, पर उन्होंने इन्नी नॉलेज नहीं वधदी, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਔਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ।
जी बिल्कुल, तुम सन्मान की गल की है, जिस तरह आप भी जरा गलत करा उस बारे पहले आप स्कूल की जिक्र कर लिए भी कि क्लास तक स्कूल है जो वे बच्चे की गल की जाए जो प्लस टू कर जाते हैं फिर उन्होंने वास्ते अगे जो ब्लाइंड बच्चे ने उन्होंने वास्ते अगे वास्ते की प्रोसैस होंगे कि उन्होंने अगे पढ़ाई कराने वास्ते कि हो कॉलेज वगैरह वास्ते कोई एडमिशन किमें करते हो फिर? देखो सानू ज़्यादा फिक्र रहिंदा है गूंगे बोले बच्चों का, जिहड़े ब्लाइंड बच्चे ने वह पढ़ाई के अंदर बहुत होशियार ने क्योंकि उन्हां दी पूरी पूरी कॉन्सनट्रेशन पढ़ाई के उत्ते रहिंदी है। वह साडे बच्चे अज दी डेट के अंदर तीन बच्चे साढ़े पी एच डी कर रहे हैं इन जवाहर लाल नहरू यूनिवर्सिटी और उस तों इलावा कई बच्चे एम ए एम एड डबल एम ए करके वह लैक्चरार या स्कूल टीचर्स लगे हुए ने, पर जिहड़े गूंगे बोले बच्चे ने उन्हां दी प्रॉब्लम आती है क्योंकि वह दुनिया तो वांझे ने, ना कोई भी बंदा जिन्हों उन्हां दी साइन लैंग्वेज नहीं आती वो उन्होंने कम्यूनीकेट नहीं कर सकता, गलबात नहीं कर सकता, तो उन्हां कनी असी ध्यान दिंदे हाँ। उन्होंने असी तीन ग्रुपां डिवाइड करते हाँ, पहला ग्रुप वह जिहड़ा कि पढ़ाई बहुत होशियार है और वह कॉलेज के एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्होंने असी अलग अलग कॉलेजों के अंदर एडमिशन दवाने हाँ, उन्होंने काउंसलिंग करते हाँ। दूसरा वह जिहड़े कि बहुत गरीब परिवार के ने और वो कहते ने माँ बाप के इन्हों जी तुसी नौकरी दवाओ, उन्होंने असी नौकरी दवाने हैं। और तीसरा वह ने जिहड़े कि वोकेशन ट्रेनिंग कोई ट्रेड सीख के तो फिर वह कोई ना कोई जॉब लभदे ने, तो इन्हों तीन कैटेगरीज के अंदर असी पूरे बच्चों डिवाइड करके उन्होंने सैटल डाउन कर दें। तुसी जॉब की गल की है क्योंकि इन्होंने बच्चों स्पैशल तौर पर अगे जॉब लैंड बड़ी दिक्कत होंगी है अजक, तो काफ़ी सरकार के ध्यान है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और पंजाब सरकार दी भी राखवी सीटा ने इन बच्चों के लिए और पूरिया पूरिया सीटा हूँ भरिया हुई ने इन बच्चों की इंप्लॉयमेंट के लिए और इंप्लॉयमेंट ऑपरचुनिटी सानू इंडस्ट्री के अंदर अजकल बहुत मिल रही है और ये अंदर इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी उत्साह है कि वह गूंगे बोले और नेत्रहीन बच्चों इंप्लॉय करन, तां खास करके जिहड़े फास्ट फूड जॉइंट्स ने मॉल्स ने उन्हां दे अंदर साढ़े बहुत बच्चे इंप्लॉयड ने और बाकी भी कई जगह के उत्ते बच्चे बहुत सक्सैसफुली काम कर रहे हैं। तुहाडे स्कूल के बच्चों की गल की जो तुसीं गल की है गूंगे बहरे बच्चे जिहड़े ने वह वक् वक् अधारां दे विच जॉब भी कर रहे हैं, जदों तुहानूं मिलदे ने किदां फील हुंदा वी साडे स्कूल दे विचों बच्चा पढ़िया लिखिया जिहड़ा उह बाहर गया जां उह किसी सरकारी अधार दे विच जिहड़ा उह नौकरी कर रहा है? खैर देखो मैं यही दसना चाहूँगा कि जदों माँ प्यो बच्चा छोटा हुंदा है 5-6 साल का उदों जो बच्चे इत्थे एडमिशन लैके आते हैं तो वह कहते हैं जी कि यहाँ साढ़े उत्ते एक लाइबिलिटी है कि इन्हें कहना सानू कोई कमाई करके देना है तो आ बच्चा तुसी संभालो ये हुण तुहाडी जिम्मेवारी है तुसी इहदे नाल की करना है और किवें करना है। पर हैरानी की गल यह है कि जदों वह माँ प्यो इत्थे साल दे बाद आते ने बच्चे घर ले जाण दे लई और वो देखते हैं कि बच्चा इन्ना तेज हो गया इन्ना शार्प हो गया है और जिवें नॉर्मल बच्चे लिखाई पढ़ाई करते हैं उवें ही लिखाई पढ़ाई करता है तो फिर उन्होंने दिल के अंदर रहम आता है और ये बच्चों एक चंगी जिंदगी मिलने का बतीत करने का मौका मिलता है। सो बिल्कुल जिस तरह कर्नल कमिंदर सिंह ने गलबात की है कि जिहड़े स्पैशल बच्चे ने उन्होंने जिहड़ा सिक्ख्या जिहड़ी है प्रदान कर रहे हैं। कर्नल जी जिस तरह गल की जाए स्कूल की आप गल कर रहे जिवें तुसी गोवा गए तुसी बच्चों नूं लैके उत्थे पहुँचे तो उन्होंने विशेष तौर पर तुहाडा सन्मान भी किया इन्हां दी एक्टिविटी नूं देखते हुए, उस तो बाद गल की जाए होर कैड़ियां संस्थावां ने जां सरकार है किन्ना वालों जिहड़ा स्कूल नूं सन्मान किया गया? देखो इस संस्था नूं पंजाब सरकार ने सन्मानित किया है एज द बेस्ट NGO ऑफ पंजाब जी और फिर 2015 के अंदर प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ने इस संस्था नूं दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भवन के अंदर सन्मानित किया
एज द बेस्ट एन जी ओ ऑफ इंडिया और उस बाद दोबारा 2020 दे अंदर दो तीन साल पहला दोबारा सानू सम्मानित किया गया प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ने एज द बेस्ट स्पैशल स्कूल इन इंडिया। तो साड़ी ये सब तो वड्डी उपलब्धि यही है कि सरकार ने भी साडा जिहड़ा काम है उन्हें शलाघा योग समझे है और सानू वह सम्मान दिता है। इस तो इलावा जिहड़े लोकल एन जी ओज और बहुत सारिया संस्थावां ने वह तो रोज़ आके इत्थे सन्मान का फंक्शन करदियां ने क्योंकि इत्थों दा साडा माहौल इहो जिहा बनिया होया है, इहो जिहा साडा वधिया स्कूल बनिया होया है कि हर कोई यदि प्रशंसा ही प्रशंसा करता है। जी बिल्कुल, जिस तरह सरकार की गल की है सरकार का फाइनैशियल तौर पर भी तुहाडे उपर जिहड़ा हथ रहिंदा है क्योंकि मदद की जाती है सरकार वालों क्योंकि हजे बच्चों नूं कला अगे लैके जाण वास्ते भी जिहड़ा सरकार है बहुत जिहड़ा हथ पिछे खिंचदी है, कोई सरकार भी मदद करती है जां नहीं? देखो तुसीं ये सवाल पुछे है और इहदा जवाब यह है कि सानू पहली ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 50 साल के बाद मिली सी। और उस तो पहला जिन्ना भी स्कूल यह चले है वह पूरा पूरा दान पुन के नाल और साड़ी मेहनत के नाल जिहड़ा असी पैसा इकट्ठा करते सी उस नाल चलिया। जदों हुण सानू ग्रांट मिली है वह भी बहुत थोड़ी ग्रांट मिलती है, साडा जिन्ना खर्चा है उहदा सिर्फ तकरीबन 15-17% ग्रांट मिलती है, बाकी दी हले भी सानू पूरी पूरी जिहड़ी राशि है वह आप जनरेट करनी पैंदी है दान दे थ्रू इन्हां स्कूल नूं चलाउण दे लई। और मैं यही कहांगा कि सानू घाट नहीं है पर साडे दिल साफ ने और इस करके सानू जिहड़ा दान है ये दान आ रहा है और कई संत महात्मा साडे स्कूल दे नाल जुड़े हुए ने वो बच्चों नूं आके आशीर्वाद भी देंदे ने और माया भी वह दान करते ने। दूसरा मैं कहांगा कि जिहड़ा ये संतां दी आशीर्वाद है वो भी एक बहुत वड्डा मायने रखती है साडे लई और वह बच्चों दे लई सानू बहुत सेवा करते हैं। करना जिस तरह असीं होस्टल की गल कर रहे थे भी होस्टल के जिहड़े बच्चे ने वो रहिंदे ने जदों परिवार वाले उन्होंने मिलने वास्ते आते हैं जो तुहाडे स्कूल दे विच पहले टाइम जो बच्चा छड्ड के जाते हैं तो बच्चा एक्टिव नहीं हुंदा, जो और बच्चा पढ़ता तो होस्टल के पहुँचता है तो परिवार वाले मिलने वास्ते आते हैं तो बड़ी खुशी महसूस करते हैं, तो वह प्रोसैस की होंगे तो किवें जो अगे प्रोसैस करवाने? देखो सब तो पहला तो जिहड़े साढ़े पास इत्थे तकरीबन 80% बच्चे ने वो बहुत ही गरीब परिवारों के ने और बेसिकली पिंडां तो इत्थे इत्थे आते हैं बच्चे साढ़े को और साडा पहला मकसद तो यह होंगे कि उन्होंने पढ़ाई के नाल ही उन्होंने हाइजीन सैनिटेशन क्लीनलीनैस और किवें उन्होंने एक अपने घर के जाके बदलाव करना है वह भी सिखलाना और इसी करके असी इत्थे बच्चों नू यह एक्टिविटी होस्टल के अंदर क्लासा के अंदर सारे किते बहुत एक अच्छे तरीके दे नाल उन्हां नूं असीं यह एक्टिविटी सिखाने हाँ। जिहड़ी मेटरन है वह बच्चों के नाल सौंदी है और उन्होंने हर एक तरह का उन्होंने नाल ख्याल रखती है। असी बच्चों होस्टल के अंदर अपने बैड को चंगी तरह बनाना अपनी संभाल करनी ये चीज़ा भी असी उन्होंने पूरिया पूरिया नाल ही सिखाते हाँ। साडा जिहड़ा डाइनिंग हॉल है वह भी एक बेमिसाल डाइनिंग हॉल असी बनाया बच्चों के लिए जिथे बैठ के वह सवेर तो लैके शाम तक के ब्रेकफास्ट रिफ्रैशमेंट 11:30 बजे लंच शाम 4:30 बजे की चाह और रात का खाना उत्थे बैठ के वो खाते हैं। साडा उद्देश यही है कि इन बच्चों असी वह चीज़ा सिखाइए जिहड़ियां कि एक चंगे वैल टू डू परिवार के बच्चे करते हैं और वह सीखते हैं और सानू खुशी है कि जदों ये बच्चे अपने घर जाते हैं तो अपने बच्चों अपने माता पिता दसते हैं कि साडा स्कूल तो तुहाडे घर दे नालों कितनी ज़्यादा साफ है और वह फिर अपने माता पिता की मदद करते हैं कि उन्हों का बाथरूम साफ होवे, उन्हों की लैटरिन साफ होवे
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਬਣੇ। ਕਰਨਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫੋਨਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਡੈਫ ਸਕੂਲ ਦੇ 5-6 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਡੈਫ ਓਲੰਪਿਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ, ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਔਰ ਬ੍ਰੋਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਾਈਨਾ, ਟਰਕੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਔਰ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪੂਰਦਾ ਪੂਰਾ ਚਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੱਲ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਵਗੈਰਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਲਾਈਂਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅਚੰਭੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਈਂਡ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨੋਰਮਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਵੇਂ ਹੀ ਡੈਫ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਲੱਗ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਘਾਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੂੰਗਾ, ਇਹ ਬਹਿਰਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਦੀਰ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਸਿਖਾਈਏ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਗੂੰਗੇ ਬੋਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ
और बहुत सारे पेरेंट्स आके इत्थे साइन लैंग्वेज बच्चों ने सीख के फिर वो बच्चों के नाल कम्यूनीकेट करते हैं। तुसीं देखो कि घर के अंदर जे किसी बच्चे के ढिड दर्द हो रहे या वो बीमार हो गया है, उन्हें कोई तरीका नहीं है कि वह अपने पेरेंट्स नूं किवें समझावे। जदों कि इत्थे वह हर एक चीज़ सानूं समझा सकदा, असीं उहदे नाल गलबात कर सकते हैं, असीं उहदे नाल हसदे हैं, खेलते हैं जिवें नॉर्मल बच्चों के नाल, तो ये चीज़ है जिहड़ी कि साडी सब तो वड्डी कामयाबी है। मिलाने तुहानू स्कूल दे प्रिंसीपल मैडम रेनू सिंगला जी तो जानते हैं स्कूल दे बच्चों दे बारे ते किस तरह दा बच्चों दा रहन सहन वै ते नाल ही पढ़ाई दे बारे। मेरा नाम रेनू सिंगला, मैं सोसाइटी फॉर वेलफेयर ऑफ द हैंडीकैप जिहड़ी संस्था है यह 1967 तो चल रही है। मैं एज ए प्रिंसीपल इस स्कूल विच पिछले 25 सालों तो सेवा निभा रही हूँ। इस स्कूल विच असीं तीन तरह के बच्चों नाल डील करदे हां। वन इज़ पटियाला स्कूल फॉर द डैफ, सैकेंड वन इज़ पटियाला स्कूल फॉर द ब्लाइंड एंड द थर्ड कैटेगरी इज़ पटियाला स्कूल फॉर द डैफ ब्लाइंड। ये साढ़े को अराउंड 415 के करीब बच्चे हैं तीन कैटेगरीज़ में, और तिना पढ़ाने साढ़े को 40 के करीब स्पैशल एजुकेटर है और जिद 30 के करीब साढ़े को हैल्परस है। और जोड़ा स्कूल है रेजिडेंशियल है, को एजुकेशन स्कूल है। स्कूल का जोड़ा मोटिव है इन्हों एजुकेट करना, इन्हों रीहेबिलिटेट करना। साढ़े को तकरीबन हर साल 50 के करीब नवे बच्चे एडमिशन लेंदे और 50 के करीब ही साढ़े को चले जाते हैं प्लस टू पास करके। और इस स्कूल दी जिहड़ियां एजुकेशनल एक्टिविटीज़ है, इस तो इलावा असी इन्हां नूं करिकुलम एक्टिविटीज़ भी इन्हां नूं पार्टिसिपेट करवाने, इन्हां दा जिहड़ा डिसिप्लिन है वह भी मेनटेन करते हैं, इन्हां नूं क्लीनिंग हाइजैनिक इन्हां दी जिहड़ी परसनल इन्हां दी जिहड़ी ग्रोथ है उहदे विच असी पूरी डिवेलपमेंट करते हैं। साडा जिहड़ा मोटिव है स्कूल दा कि असी ओवरऑल इन्हां दी पूरी परफॉर्मेंस दिखाइए ताकि बच्चे किसी ना किसी फील्ड में जाके ये अपनी अचीवमेंट दिखाएं। क्योंकि प्लस टू या टेंथ तक आते आते सानू पता चल जाता इस बच्चे का की इंटरस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली असं इन्हों अगे गाइड करते रहने। ईवन प्लस टू तो बाद भी साड़ी कोशिश रहती है कि ये बच्चे साढ़े नाल जुड़े रहन और सारिया एक्टिविटीज साढ़े नाल चलदियां रहिंदियां। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है इन्हों की, करिकुलम विच खेड़ा दी एक्टिविटीज़ है, डांस दी एक्टिविटी है, मेहंदी मेकिंग दी हैगी एक्टिविटी। जदों करवा चौथ दा दिन आंदा है तां मेरे ही बच्चे यूनिवर्सिटी विच जाके कुड़ियां नूं करवा चौथ दे उपर मेहंदी वगैरह लगा के आंदे है, तां काफ़ी साडी अर्निंग हो जांदी है। उहदे विच भी वह प्रोजेक्ट भी असीं डील करदे हां, उहदे विच सानूं सोशल वर्क डिपार्टमेंट दे बच्चे भी डील करदे हैं, सपोर्ट करदे हैं। और ये जिहड़ा स्कूल है पूरा चैरिटेबल स्कूल है, संस्था जिहड़ी है पूरी चैरिटी दे उपर चलदी है, पर परमात्मा वालों लोगों की इन्नी सपोर्ट है सानू कभी कमी आई ही नहीं। जिन्हें भी लोग आते इतों खुश होकर जाते, क्योंकि साडा जिहड़ा एटमोसफीयर है बड़ा हाइजैनिक एटमोसफीयर है। साडी कोशिश रहती है कि असी एक इस स्कूल नूं एक YPS स्कूल दे तरह असी बना के रखिए, इसलिए साडे वालों कोई भी कमी नहीं है इस स्कूल विच। इस स्कूल दे जिहड़े मेन फाउंडर है वो साडे कर्नल साहब है, उन्हां दे जिहड़े फादर है सरदार अमर सिंह कंबोज, वो इस स्कूल के फाउंडर रहे हैं, तो कर्नल साहब इत्थे दे सैक्रेटरी ऐसे काम कर रहे हैं और उन्होंने सानू बहुत ही सपोर्ट है। जो साडे लीडर कमांडिंग ऑफिसर अच्छे होन तां एक टीम बहुत अच्छे तरीके नाल काम करती है, तो इस तरह ही साडा ये वाला सिस्टम चल रहा है। कर्नल जी थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम अजिह जी जानकारी जी साढ़े चढ़ती कला टाइम टीवी के माध्यम से साझी की, जोड़े स्पैशल बच्चे ने
एंड ब्लाइंड ने उन्होंने परिवार को भी जो एक सुनेहा दिता भी बच्चों जो बोझ ना समझा जाए। और मैं चढ़ती कला टाइम टीवी का बहुत धन्यवादी हाँ कि उन्होंने अज इस स्कूल के लिए आके ये रिकॉर्डिंग की ताकि यदा सुनेहा बहुत दूर दूर तक पहुँच सके। धन्यवाद जी, बहुत 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 शुक्रिया थोड़ा जी। सो दर्शकों थोड़ा भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते किसी होर शख्सियत के नाल गलबात करावांगे प्रोग्राम आओ गल्लां करिए। हुण मैनू दिओ इजाजत, धन्यवाद।